नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा हुआ है एम तथा एन का मान ज्ञात करो जब आपका फलन है वो सतत है। सतत है इसका मतलब ये सभी बिंदुओं फलन सतत है। तो हम क्या करेंगे, उन उन बिंदुओं को लेंगे जिस पे आपकी कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन देखो, आपको लगता है जीरो पे नहीं दी हुई, क्योंकि जीरो एक्स का मान जीरो के बराबर, और जीरो से छोटा है लेकिन जीरो से बड़ा नहीं है, इसका मतलब जीरो नहीं लेंगे। दो से एक्स का मान दो से छोटा है, एक्स का मान दो से बड़ा और दो के बराबर, तीनों कंडीशन है, तो मतलब दो ले सकते हैं। एक्स का मान चार से छोटा और चार के बराबर, और चार से बड़ा तो चार ले सकते हैं, लेकिन छः से छोटा और छः के बराबर है, छः से बड़ा नहीं है, इसका मतलब छः नहीं लेंगे। अपन दो बिंदु ले सकते हैं, दो ले लो चार ले लो, इन पे सतत तो दिया हुआ है ही अपने को, सतत के लिए तो कह रहा है कि सब जगह सतत है। तो हम कह देंगे कि एक्स बराबर दो पर फलन आपका क्या है, सतत है, इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ दो, इनमें से कोई दो कंडीशन ले लेंगे और एम एन का मान निकाल लेंगे। अगर मान निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता अगर समीकरण प्राप्त होती है तो चार पर और चेक कर लो, तो चार पर एक समीकरण और बन जाएगी, एक दो पर बनेगी एक चार पर बनेगी, दोनों को हल कर लो और आपका मान आ जाएगा। तो फलन तो दिया हुआ ही है, तो सबसे पहले हम कह देते हैं चूँकि फलन एफ एक्स बराबर दो पर सतत है, हमें दो दिया हुआ नहीं है, हमें तो ये कह रहा है सतत है, सतत है मतलब सब जगह सतत है, तो अपने जो कंडीशन के आधार पे हमने दो लिया है, इसलिए अब इनमें से कोई दो कंडीशन ले हो, तो दो से छोटा यहाँ से आ रहा है और दो से बड़ा यहाँ से आ रहा है, और कोई कंडीशन नहीं है, दोनों ये, तो दोनों ले हो। तो देखो यहाँ से आ रहा है, तो ये एक्स बराबर दो के लिए है क्या, ये दो से कम के लिए, तो ये तो एल एच एल हो गया, तो एल एच एल ले लो, और यहाँ एक्स बराबर दो के लिए है तो एक आपका एफ दो ले लो, ये लो तीस लेने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ दो पे चेक करें, दो माइ दो पे बता रहे हैं, तो दो माइनस एच बराबर एफ दो, तो यहाँ एक्स बराबर दो है तो इसमें एक्स की जगह दो रख दो, तो चार गुणा दो माइनस का एक, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब दो माइनस एच रखो कहाँ, जब दो से कम बड़े कंडीशन है, तो ये रही इसमें रख दो, तो आपका आ जाएगा एम दो माइनस एच प्लस का एन बराबर कितने हो गए आपके, सात हो गए। अब एच की जगह जीरो रख दो, तो एच की जगह जीरो रखते एम दो माइनस जीरो प्लस का एन बराबर सात, अब इसको गुणा करो तो दो एम प्लस एन बराबर सात हो गया, ये समीकरण नंबर एक। देखो समीकरण बढ़ी है, एम और एन की मान नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर चार पर और लेना पड़ेगा, उससे हमें दूसरी समीकरण प्राप्त होगी। तो अब हम एक्स बराबर चार पर लेते हैं, तो एक्स बराबर चार पर लेंगे तो देखो कैसे आएगा, वापस कहेंगे पुनः चूंकि फलन एफ एक्स बराबर चार पर सतत है, इसलिए अब चार पर सतत है तो हम चार पे कंडीशन लेंगे, तो चार पे कौन कौन सी कंडीशन लेंगे, देखो चार की बात करें तो यहाँ एक्स का मान चार के बराबर और चार से छोटा, मतलब चार से छोटा एल एच एल और बराबर यानी एफ चार, दोनों एक ही है, तो हम यहाँ से एफ चार ले लेंगे, और यहाँ दूसरे में एक्स का मान चार से बड़ा, तो यहाँ आर एच एल आएगी, तो हम एक तो आर एच एल लेंगे एक एफ चार लेंगे, तो लेते हैं, तो आपका आ गया आर एच एल बराबर एफ चार, ये आ गया। अब आर एच एल निकलेगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ चार प्लस का एच बराबर एफ चार निकालना है अपने को, तो जो चार के बराबर वाले कंडीशन है उसमें रख देंगे, तो चार गुणा चार माइनस एक इस प्रकार आएगा, चार के बराबर वाले कंडीशन यही है, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ चार प्लस एच निकालना है, तो चार से ज़्यादा वाली कंडीशन है उसमें एक्स की जगह चार प्लस एच रखो, तो रखते हैं, तो आपका आ जाएगा एम चार प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका 17 एन बराबर ये हो गया 16 माइनस एक, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, या लिमिट रहने दो, यहाँ एच की जगह सीधे जीरो रख दो, तो ये हो गया आपका एम चार प्लस जीरो प्लस 17 एन बराबर ये हो गया आपका 15, तो यहाँ इसका स्क्वायर है, तो ये हो गया चार का स्क्वायर 16, तो 16 m प्लस 17 n बराबर 15, ये समीकरण नंबर हो गया आपका दो। अब समीकरण एक व दो को क्या करना है, आपको हल करना है, एक व दो से
हल करोगे रब में हल करके आपको सीधा एम का और एन का मान रख देना। एम का मान 2 आएगा, एन का मान -1 आएगा। यह आपका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमें फलन एफ एक्स बराबर अपने को दे रखा है टेन एक्स बटा साइन एक्स, और यह आपका एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और एक ये है आपका एक्स बराबर 0 के लिए बिंदु एक्स बराबर 0 पर संतत्य का परीक्षण कीजिए। यानी हमें सतत्ता की क्या करनी है, जांच करनी है एक्स बराबर 0 पर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने को जो फलन दिया गया वो फलन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर, तो जाएगा आपका टेन एक्स बटा साइन एक्स, और एक्स नॉट इक्व टू 0, और यहाँ हो गया 1 और एक्स इक्व टू 0। ये लो एक्स बराबर 0 पर संतत्ता का परीक्षण करना है अपने को। अब परीक्षण कैसे करेंगे वो देखो। तो एक्स बराबर 0 पर परीक्षण के लिए हमें एल एच एल आर एच एल और एफ 0 निकालना है। तो पहले निकालते हैं एल एच एल। तो एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, 0 से कम, तो 0 के बराबर है तब 1 है, उसके अलावा कुछ भी लो यही है, तो इसमें रख दो। तो ये हो जाएगा आपका टेन माइनस एच बटा साइन माइनस का एच बराबर, टेन में से भी माइनस बाहर आता है, साइन में से भी माइनस बाहर आता है। अगर पता नहीं हो तो इस प्रकार से कर लो एच टेंस टू 0, टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, गुणा ये 1 बटा साइन बट्टा वाला माइनस को अलग लिख दिया। अब इस साइन से आपका ये साइन कट गया और कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 बट्टा कोस एच, अब एच की जगह 0 रख दो तो कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो एल एच एल बराबर कितना हो गया 1, 1/1 इस प्रकार आ जाएगा। तो समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब आर एच एल निकालते हैं, तो आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा आपका एफ 0 प्लस का एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब एच रखना है तो एच भी 0 के अलावा है, ये तो ऊपर वाले में रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन एच बट्टा साइन एच। अब टेन एच को भी तोड़ देंगे तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन एच बट्टा कोस एच गुणा 1 बट्टा साइन एच। अब साइन एच कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 बट्टा कोस एच, एच की जगह 0 होती है, कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो आपकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, तो लिख देते हैं अपन राइट हैंड लिमिट बराबर 1। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। तो हमने 2 समीकरण बनाए। अब बचा आपका एफ 0, तो एफ 0 एफ 0 पिछले दे रखे आपका एक्स बराबर 0 होगा तो मान कितना होगा 1 होगा। ये समीकरण नंबर होगी आपकी 3। समीकरण 1, 2 और 3 तीनों के मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, इसका मतलब आपका फलन क्या हो गया, सतत हो गया। तो हम कह देंगे इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से आपका एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ 0, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत सतत है। धन्यवाद।